जालंधर के लाडोवाली रोड के पास देर रात खाली प्लॉट में पड़े कबाड़ में अचानक भयानक आग लग गई थी, जिसे फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियों की मदद से काबू किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लॉट में कबाड़ की गाड़ियां पड़ी हुई थी और घास होने की वजह से आग तेजी से फैल गई थी। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए मोहल्ला निवासी अगम शर्मा ने बताया कि उसे दोस्त का फोन आया था कि मोहल्ले में खाली पड़े प्लॉट में आग लग गई है। पहले उन्होंने लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड अधिकारी अवनीश कुमार ने बताया कि रात करीब 12:15 बजे उन्हें प्लॉट में आग लगने की सूचना मिली। जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। इसके बाद 3 बड़ी गाड़ियां और 1 छोटी गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा भाई नाम अगम शर्मा है। तो इतने मैनू मेरे फ्रेंड का फोन आया सी कि पीछे अग वगैरह लग गई है। तो मैं जिद ही उपर आया तो मैं आप पहला ट्राई किया पर होया नहीं, तो फिर मैं फायर ब्रिगेड में फोन किया तो उन्होंने आए टाइम पर, उन्होंने हेल्प कर। सर किस चीज़ में अग सी? ये ओवरऑल पूरे प्लाट से सी, जिन्हें भी लाइक पौधे वगैरह जी गड्डिया कंडम तो होर बहुत चीज़ा जो सी। मेरा नाम सर फायरमैन अवनीश है जी। सानू 12:50 से कॉल आई है कि लाडोली रोड के कोल खाली प्लाट के अग लगी है। मौके पर जाके देखा अग ज़्यादा होने करके सानू 3 गड्डिया लग गई साढ़िया अग दे, 1 छोटी गड्डी, 4 गड्डिया ने अग दे काबू पाया पानी चला के। गड्डिया तो नहीं खड़िया सी, उन्होंने कबाड़ पूरी पिया जी प्लाट के, नहीं मालक का नहीं पता लगे जी। समान कि नहीं पता लगे।